हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे और अब हम कर लेते हैं देखो टेस्टिंग इसके सोलूशन की। जो भी आउटपुट देखो, जो भी हमारे पास इसका जो मैनुअल है, जो भी इसकी टेस्टिंग हुई है, इसमें इसका दिया हुआ है VOC VOC 21.971। देखो अब हम इसका VOC टेस्ट करते हैं। देखो इसके हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखिए इसका अभी पूरी धूप नहीं है तो इसका वोल्टेज मेरे को स्टेबल हो रहा है 21.3 पे, तो 21.3 है जबकि इसमें दे रखा था 21.971। तो देखिए ये अभी फुल धूप नहीं है, जब फुल धूप होगी तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज आएगा VOC 21.971। अब इसके बाद हम टेस्ट कर लेते हैं इसका शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल? अब आगे देखते हैं इसका ISC जो इसका शॉर्ट सर्किट करंट है वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब शॉर्ट सर्किट करंट इसका कितना आता है, फ्रेंड शॉर्ट सर्किट में थोड़ी आग निकलती है, इससे शॉर्ट सर्किट करंट है 2.1 आ रहा है, 2.1 2.2। अभी दोस्तों फुल धूप नहीं है, देखो 2.1 और 2.3 आ रहा है। ठीक है, इसमें दे रखा है ISC शॉर्ट सर्किट करंट दे रखा है 3.5, तो अभी पूरी धूप नहीं है इसलिए 2.5 2.3 आ रहा है, 3 तक आ जाएगा ये जब फुल धूप होगी। अब इसके बाद इसने बोल रखा है, हाँ इसके बाद इसने बोल रखा है कि जो इसका वी मैक्स है और आई मैक्स है, जब लोड के अक्रॉस कनेक्ट होगा तो वी मैक्स दे रखा है इसने 18.546 और आई मैक्स दे रखा है 2.9। देखो अब ये भी हम टेस्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक DC लोड है, हमारे पास जो हमारी बाइक है उसका इंडिकेटर है, तो देखते हैं सबसे पहले हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये प्लस के साथ प्लस कनेक्ट कर दिया और ये माइनस के साथ माइनस कनेक्ट कर दिया हमने। देखो ये फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है, वो हम इसका वोल्टेज और करंट दोनों चेक करेंगे इसके थ्रू, कितना आना चाहिए मैक्सिमम 18 आना चाहिए और करंट आना चाहिए 3.9। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसका, वो फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है आपका जो भी LED है। अब हम सबसे पहले करंट मेजर कर लेते हैं क्योंकि हमने करंट मोड पे लगा रखा है, तो उसमें कितना करंट जाएगा वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। करंट ये ले रहा है, करंट फ्रेंड्स ये ले रहा है 0.9। अगर हमारा ज़्यादा बड़ा लोड होगा तो ज़्यादा करंट लेगा। ठीक है, अब हम देखो ये तो हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लोड बड़ा नहीं है आई मैक्स, तो हम मेज़र कर सकते हैं अभी वी मैक्स मेज़र कर लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो देखो मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसको वोल्टेज वाले मोड में। तो फ्रेंड अब इसको हम वोल्टेज वाले मोड में ये हमने इसको ग्लो कर दिया और इसके अक्रॉस अब हम वोल्टेज मेज़र करेंगे तो ये 18 के समथिंग आएगा जैसे कि टेस्टिंग में दिया हुआ था। देखिए फ्रेंड अब इसको हम मेज़र करते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज, देखिए फ्रेंड अब हम इसका वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9.8। ठीक है, 18 के समथिंग ही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लोड छोटा है, लोड बड़ा होगा तो वही कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। हाँ देखो आपके सामने बिल्कुल ग्लो कर रहा है, बिल्कुल बहुत हैवीली ग्लो कर रहा है। तो ये जिम सोलर हमने लिया था, ये हमने मात्र अमेजन से 1300 रुपये में लिया था और जो भी इसकी डेटा शीट है वो मैंने आपको दिखा दी, बिल्कुल मतलब अच्छी है इसकी जो भी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो मात्र 1300 रुपये में आपको मिलेगा ये अमेजन से। और देखिए आप DC लोड चल रहा है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लाऊंगा जिसमें सोलर पैनल के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, तो इस पैनल को हमने देख लिया है, थैंक यू सो मच।